अक्षय तृतीया की शुभ घड़ी प्रारंभ होने वाली है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दौरान कुछ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के उपाय भी बताया गया है। अक्षय तृतीया का मुख्य महत्व मुहूर्त के लिए कहा गया है, और जिस प्रकार अपन नाम से ही प्रतीत होता है कि अक्षय तृतीया, इस दिन जो भी किया जाए वो अक्षय, वो कार्य अक्षय होता है, और दान पुण्य भी किया जाए तो उसका अक्षय फल प्राप्त होता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया का नाम दिया गया है। और बड़ा ही शुभ मुहूर्त इस दिन कहा जाता है, और देवी लक्ष्मी जी को समर्पित किया गया है यह दिन। और इस दिन सोना चांदी खरीदना बड़ा शुभ कहा गया है, तथा इस दिन कुछ धन प्राप्ति हेतु उपाय अपन कर सकते हैं। उनमें से मुख्य उपाय, अपनी तिजोरी में श्री यंत्र रखना, इसको स्थापित कर सकते हैं। इस दिन श्री यंत्र का देवी लक्ष्मी जी का, श्री यंत्र के साथ में देवी लक्ष्मी जी का पूजन कर करके, दूध दही पंचामृत से स्नान करा करके, तथा यंत्र को शुद्ध कर करके ओम श्री लक्ष्मी नमः इस प्रकार का 108 बार मंत्र का उच्चारण कर करके, लक्ष्मी जी का पूजन कर करके यंत्र को स्थापित करने से तिजोरी में धन धान्य की वृद्धि होती है, तथा तिजोरी में इसे रखना चाहिए जिससे धन की आपूर्ति बढ़ी रहे, तथा सदैव हमारी तिजोरी धन से भरी रहे। और उसी दिन अपन कार्य कर सकते हैं कि कोई चांदी का सिक्का हो उसको भी अपन तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर करके पूजन कर स्थापित करें, उससे भी धन की वृद्धि होती है, तथा ऐसे स्थान पर उस सिक्के को रख दिया जाए जहां पर अपन धन रखते हो, तथा तिजोरी में भी उसे रख सकते हैं। तत्पश्चात इसी दिन कुबेर यंत्र का भी बड़ा महत्व कहा गया है, क्योंकि वह भी धन के संबंध में देवता कहे गए हैं, तो कुबेर यंत्र को भी इसी प्रकार स्थापित कर करके तिजोरी में रख सकते हैं, और तिजोरी में रखने से धन धान्य की वृद्धि उससे बनी रहती है, तथा इसी प्रकार अन्य प्रकार से, अनेक प्रकार से दिशाओं का भी महत्व कहा गया है। पश्चिम पूर्वी दिशा में अपन तिजोरी रख सकते हैं, तथा इस प्रकार तिजोरी में अनेक प्रकार के देवी लक्ष्मी जी के उपाय के स्वरूप इस प्रकार देवी लक्ष्मी यंत्र तथा कुबेर यंत्र तथा चांदी का सिक्का लाल कपड़े में बांध करके रखने से धन धान्य की आपूर्ति होती है, तथा सदैव देवी लक्ष्मी जी की प्रसन्नता बनी रहती है। इस अक्षय तृतीया को यह उपाय करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, तथा कभी भी घर में धन की कमी न आती है। इस प्रकार का उपाय अक्षय तृतीया पर अवश्य किया जाए जिससे धन धान्य की आपूर्ति बनी रहे, तथा लक्ष्मी मां की कृपा सदैव भक्त जो उनके भक्तों पर बनी रहे, इसलिए यह उपाय अनेक प्रकार से अक्षय तृतीया पर किए जाते हैं तथा करना चाहिए। अक्षय तृतीया यह 10 तारीख को आने वाली है, तथा इस दिन अनेक प्रकार के शुभ कार्य तथा अनेक प्रकार के शुभ मुहूर्त भी बताए जाते हैं।